वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का व्हाइट एजुकेशन पे। बिहार दरोगा, बिहार कांस्टेबल, बिहार एसएससी या फिर एसएससी रेलवे बैंकिंग की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए ये जो क्यूज है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। रोज करेंट अफेयर पढ़ेंगे, रोज प्रैक्टिस करते रहेंगे तो शायद आपका करेंट अफेयर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा आपके एग्जाम के आने तक। देखिए यहाँ पे जो रोज 10 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं इसको सिर्फ मात्र 10 क्वेश्चन ना समझें, क्योंकि इसके साथ साथ जो डिस्क्रिप्शन यानी कि जो यहाँ पे व्याख्या की जाती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी आपको मिल जाते हैं। यानी कि 10 के बदले 50 क्वेश्चन लगभग आप लोग यहाँ पे कर ही लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सिनारियो और इसका पीडीएफ मैं आपको व्हाइट एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से जाके इसको डाउनलोड भी जरूर कर लेंगे। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि इसकी जो टाइमिंग है रोज सुबह के 6 बजे है, जो कि मैं आपको यहां से शेयर करता हूं। तो चलिए लेकर चलते हैं दोस्तों उन सभी प्रश्नों पर जो कि आज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगाते हैं इस टेस्ट को। आज का पहला प्रश्न क्या है ये रहा आपके सामने, आंसर करने की कोशिश करेंगे कि किसने रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ और आरपीएसएफ, दोनों ही रेलवे सुरक्षा बल का एक बटालियन है कह सकते हैं या फिर एक डिपार्टमेंट है, जिसके लिए मेधावी सेवाओं को शुरुआत, जैसे कि विशिष्ट सेवाएं हैं जैसे कि पुलिस पदक और पीपीएम, जैसे कि यहाँ पे जो राष्ट्रपति के लिए पुलिस पदक होते हैं प्रेसिडेंट पुलिस मेडल है ना, इसको प्रस्तुत किया है। तो आंसर करेंगे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। जी हाँ दोस्तों, प्रेसिडेंट हैं हमारे रामनाथ कोविंद अभी, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ से एक बनता है। देखिए पहला क्वेश्चन तो ये आप लोगों ने समझ गए कि इसको यहाँ पे प्रस्तुत किसने किया है, तो हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया है। पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो हमारे राष्ट्रपति जो हैं वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं भारत के, तो ये याद रखिएगा 14th, याद रखिएगा 14वें राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। इससे पहले ये जो थे बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं, ठीक है, राज्यपाल के रूप में ये नियुक्त थे पहले राष्ट्रपति बनने से। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है दोस्तों कि इनसे पहले कौन हमारे देश के राष्ट्रपति थे, यानी कि पूर्व राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, याद रहेगा प्रणब मुखर्जी ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे। अब यहाँ से जब इनका नाम आता है तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि 2019 में भारत रत्न से सम्मानित कौन कौन थे, तो उनमें से एक नाम है हमारे पूर्व राष्ट्रपति का प्रणब मुखर्जी का, ठीक है, और एक है हजारिका, जी हाँ, और तीसरे का नाम आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो यहां से इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इन सभी प्रश्नों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, सबसे पहले चीज यहाँ पे क्वेश्चन बनता है आपका कि ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो याद रखिएगा 26 जनवरी को ही इसको सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। आगे चलते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, किसके गठन वर्ष का एक प्रतीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस यानी कि 26 जनवरी जो है ये किसके वर्षगांठ का एक प्रतीक है, तो कस्टम कोऑपरेशन काउंसिल, आंसर आपका ई हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। इसके बारे में कुछ तथ्य मैंने आपके लिख रखे हैं यहाँ पे, इसको नोट कर लीजिएगा। इंटरनेशनल कस्टम डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों, जी हाँ, 26 जनवरी को हर साल। इसके अलावा द डे रिकॉग्नाइज इन द रोल ऑफ कस्टम ऑफिशियल एंड द एजेंसी इन द मेंटेनिंग बॉर्डर सिक्योरिटी, अब इस दिन को यहाँ पे कैसे रिकॉग्नाइज किया गया, किस रूप में, किस रोल में, तो याद रखिएगा कस्टम ऑफिशियल एंड एजेंसीज मेंटेनिंग बॉर्डर सिक्योरिटी, है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, यहां से आ सकता है एग्जाम में। द डे मार्क्स एनिवर्सरी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कस्टम कोऑपरेशन काउंसिल, ठीक है, इसको एक तरह से इसकी एनिवर्सरी भी बताया जाता है, किसको, तो कस्टम कोऑपरेशन काउंसिल का, इसलिए आप थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, CCC का फुल फॉर्म अक्सर पूछ लेता है एग्जाम में, पूछ सकता है ना, यहाँ से रिलेटेड है क्वेश्चन, तो याद रखिएगा कस्टम कोऑपरेशन काउंसिल। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे, भारत का संविधान कब अपनाया गया, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पूछा गया है कि कब एडॉप्ट किया गया है ना, कब एडॉप्ट किया गया है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, तो एडॉप्ट किया गया है दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। इसको लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को, ये दो क्वेश्चन यहां से बने, ओके। तीसरा क्वेश्चन और बन सकता है कि ये हमें कंफर्म कब हो गया था कि भारत का संविधान अब हमारा बन चुका है, ये कंफर्म कब हो चुका था, तो दोस्तों ये हो चुका था सन 1946 में, ठीक है, तो 3 साल के बाद इसको 26 नवंबर, है ना, 26 नवंबर 1949 को इसको अपनाया गया, और फिर उसको अगले साल है ना 26 जनवरी 1950 को इसको क्या किया गया, लागू कर दिया गया, क्योंकि 26 जनवरी ही क्यों दिन चुना गया,
ये भी एक क्वेश्चन बनता है आपका। तो 26 जनवरी इसलिए कि क्योंकि इस दिन जो है 26 जनवरी 1930 में भारत को आजाद घोषित कर दिया गया था भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा, ठीक है, लेकिन ये हो ना सका, ठीक है, ये हो ना सका उस समय, तो इसलिए यहाँ पे जो सेलिब्रेशन है ये 26 जनवरी 1950 को किया गया, जो कि गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे के रूप में कल हम लोगों ने सेलिब्रेट भी किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा का सारा पॉइंट यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ये आप लोग देख लीजिएगा इसको और एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष भारत पर्व 2020 का थीम क्या है, विषय, व्हाट इज द थीम ऑफ भारत पर्व 2020। बिल्कुल, अगर आपका उत्तर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे डी, यानी कि ए और बी, एक भारत श्रेष्ठ भारत और महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ, ये दोनों जो है भारत पर्व 2020 का एक थीम रहा। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो भारत पर्व है ये कब से कब तक सेलिब्रेट किया जाएगा, तो पहला क्वेश्चन ये बना, तो यहाँ पे आप आंसर करेंगे 26 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक, ठीक, ये हो गया। उसके बाद ये वेन्यू पूछ लेगा कि कहाँ मनाया गया इसको इस बार, तो ये कीजिएगा न्यू दिल्ली, ठीक है, या दिल्ली लिख सकते हैं, अगर दिल्ली ऑप्शन में है तो आप दिल्ली कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है सर, कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अधीन यानी कि इसको ऑर्गेनाइज किसने किया भारत पर्व को 2020 का, तो ये किया है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ठीक है, तो इस साल का थीम ये एक चौथा क्वेश्चन हो गया यहां से। तो ये चार थीम क्या था, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत और महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ, ठीक है, तो ये चार क्वेश्चन यहां से अराइज होते हैं, तो इसको आप लोग नोट डाउन जरूर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कितने सदस्य देश विश्व सीमा संगठन में हैं, तो कुल देश हैं दोस्तों 179, ये याद रखेंगे। WCO, जी हाँ, WCO वाज अर्लियर कॉल्ड कस्टम कोऑपरेशन काउंसिल। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन बताया आपको कि CCC आपको याद रखना होगा, ये जो CCC है यानी कि कस्टम कोऑपरेशन काउंसिल जो है ये पहले किस नाम से जाना जाता था, अभी फिलहाल जाना जाता है एक्चुअली तो WCO, ठीक है, विश्व सीमा संगठन, ठीक है, याद रखिएगा, और अब इसको जाना जा रहा है कस्टम कोऑपरेशन काउंसिल के नाम से। ये हर साल 26 जनवरी को इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है वर्ल्ड लेवल पे। इट वाज रीनेम वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन इन 1994। ये क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से, एक क्वेश्चन ये बन गया, एक क्वेश्चन यहाँ से अब पूछ सकता है कि WCO किस नाम से जाना जाता है, तो CCC के नाम से। कब सेलिब्रेट करते हैं हर साल इसको, 26 जनवरी को, और WCO के अधीन अभी कुल 179 कंट्री जो हैं इसमें शामिल हैं, यानी कि देश इसके मेंबर हैं WCO में। द डे फोकस ऑन द वर्किंग कंडीशन एंड द चैलेंज द कस्टम ऑफिसर्स फेस इन देयर जॉब्स। इस साल का एक बहुत ही अच्छा मतलब एक चैलेंजेबल यहाँ पे बात रखी गई, किसके लिए, तो किसके लिए, तो कस्टम ऑफिसर्स फेस इन देयर जॉब, वो अपने जॉब को ज़्यादातर फेस कर सकें इस चीज़ को लेकर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, भारतीय संविधान की पुष्टि कब हुई है। ये क्वेश्चन देखिए इसलिए आ रहा है क्योंकि कल 26 जनवरी था और वहीं से ये क्वेश्चन सारे अराइज हो सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आंसर करेंगे दोस्तों 1946 में। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया 1946 में ये बनकर रेडी हो चुका था, ये कंफर्म था हमारे पास। 3 साल के बाद इसको एडॉप्ट किया गया 1949 में, और अगले साल ही जो 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा, तीनों ही तीनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिए ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, 9th ऑफ दिसंबर ये डेट भी याद रखिएगा, 9th ऑफ दिसंबर है ना 1946 को ये बनकर कंफर्म हो चुका था, असेंबली में जा चुका था कि हमारे पास हमारा संविधान आ चुका है, उसको 1949 में इसको एडॉप्ट किया गया भारत सरकार के द्वारा, और जो इंडियन ब्रिटिश रूलर थे यहाँ पे है ना, 15 अगस्त 1947 को हमें हमारा देश भी आज़ाद मिला, और यहाँ पे 1950 को, ठीक है, रिपब्लिक डे के रूप में इसको सेलिब्रेट किया गया, ठीक है, इतना याद रखिएगा ऑफिशियली, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए जो तथ्य लिखे गए हैं ना, इन सभी तथ्यों को एक बार पढ़ लीजिएगा, मैंने सारी डिटेल यहाँ पे लिख दी है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसका PDF मैं आपको दे दूंगा, वो जरूर पढ़िएगा उसको। देखिए 24 जनवरी को ब्रेटिक्स ब्रैकेट्स
के बाद ब्रिटेन भावी यूरोपीय संघ राजनयिक मिशन के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एक क्वेश्चन मैं आपसे यहां से पूछूंगा, है ना। देखिए क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनते हैं। 24 जनवरी को कौन सा डे मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, जिसमें कि बालिकाओं को जो भेदभाव उसके जेंडर को लेकर किया जाता है, उसके उसमें लोगों के बीच जो है अवेयरनेस फैले, है ना, ताकि ये चीज़ें से दूर रहा जा सके, जिसके लिए दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे। 24 जनवरी को ब्रेकिस्ट के बाद ब्रिटेन के भावी यूरोपीय संघ राजनयिक मिशन के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्ति मिली है? तो ये हैं दोस्तों जोआओ वेले दी एल्मिदा। ओके, इनके बारे में भी मैंने कुछ यहाँ पर लिखा है। देखिए ये पुर्तगाली जो है पोर्तुगीज डिप्लोमेट हैं ये। कौन? जोआओ वेले दे एल्मिदा वाज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द फ्यूचर ईयू डिप्लोमेटिक मिशन टू द यूके आफ्टर द ब्रेकिस्ट इन 24 जनवरी। इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है दोस्तों एज अ यूके आफ्टर द ब्रेकिस्ट 24 जनवरी, ठीक है, डिप्लोमेट के रूप में। ओके, यूके एग्जिस्ट वाज द शेड्यूल 31 जनवरी 2020। ये जो 31 जनवरी 2020 के बाद ये वहाँ पे एग्जिट करेंगे अपने शेड्यूल में, ठीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस स्थापित किया गया था। आंसर देखिए, क्वेश्चन तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था एक इसके रिलेटेड, ठीक है। तो आंसर याद रखेंगे यहाँ पे दोस्तों, इट्स ए 1953 में। अब एक क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ पे करीब 8 या 10 क्वेश्चन आपको मिल गए अंतर्राष्ट्रीय शुल्क दिवस जो है सीमा शुल्क दिवस के रूप में, ठीक है। तो WCO 1953 में यहाँ पे सेशन ऑफ द कस्टम कॉरपोरेशन काउंसिल विच वॉज हेल्ड इन द ब्रसल्स बेल्जियम, ये याद रखिएगा। और द डे वॉज इंस्टीट्यूटेड बाई द वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन इन 1953। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। शोधकर्ता को अमेरिका में एलोसोरेक्स जिमेडेंसिन का अस्तित्व कहाँ मिला? आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स अ सी उताह में, ठीक है। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये भी। द न्यू मीट ईटिंग स्पीसीज, जी हाँ, मांस खाने वाले जो स्पीसीज हैज बिन नेम्ड एज द डायनासोर एलासोर्स जिम्ना देशिन, ठीक है, एलासोर्स जिम्ना जिम्मा डेसिनी, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। उताह में इसके जीवाश्म मिले थे हमें, और ये दोस्तों आज से 5 मिलियन साल पहले की बात है, और ये सस्पेक्टेड यहाँ स्पीसीज कुछ के जीवाश्म मिले हैं जिसके बारे में शोधकर्ताओं ने, अमेरिका के शोधकर्ताओं ने इनको अस्तित्व लाया है, यानी कि उताह में। ओके, नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे आखिरी प्रश्न है हमारा कि DRDO के अध्यक्ष कौन है? देखिए DRDO का हेडक्वार्टर पूछ सकता है आपसे, वो बताइएगा आपको क्या, बेंगलुरु। अब जैसे बेंगलुरु की बात आई यहाँ पे, तो ये कौन से स्टेट की कैपिटल सिटी है? तो कर्नाटका, है ना, याद रखिएगा कर्नाटका। ओके, तो यहाँ पे DRDO के जो आपके अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर जी सेट्टी सतीश रेड्डी, ठीक है, नोट कर लेंगे, यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों आज के इस पूरे सिनारियो में आप हमारे साथ यहाँ बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।